रोडवेज अनुबंधित बस अनियंत्रित होकर पलटी, कई सवारी भी घायल। घटना की सूचना खीरू पुलिस को मिलते ही प्रभारी निरीक्षक आदर्श कुमार सिंह व चौकी इंचार्ज पुरुषोत्तम कुमार मई भारी पुलिस फोर्स के साथ घायलों को एम्बुलेंस द्वारा लालगंज से पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताते हैं कि रोडवेज अनुबंधित बस तेज गति से दिल्ली से डलमोर जा रही थी। जैसे सेंधी चौकी के निकट जगत भाभा के पास पहुंचते ही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताते हैं कि लगभग 8 सवारी घायल हो गई हैं। वहीं गाड़ी पलटते ही चालक परिचालक मौके से फरार हो गए। थाना क्षेत्र हीरों के जगत ढाबा पहुंच चुके हैं। जैसा कि एक मामला प्रकाश में आया है कि दिल्ली से लखनऊ डलमऊ जाने वाली रोडवेज बस अचानक अनियंत्रित होकर के पलटी, जिसकी सूचना क्षेत्र व ग्रामीण अंचल में हलचल मच गया है। वहीं घटना की सूचना खीरो पुलिस व सिवरी चौकी पुलिस को मिलते ही प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज पुरुषोत्तम कुमार फोर्स के साथ पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं जो घायल सवारियों को तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था करके सीएससी खीरो भेजवाया। इसमें आपका राजेश सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले टावर यहाँ। इस समय कहाँ पर आप खड़े? 10 साल सिमरी चौराहा, मतलब जगत ढाबा भी यहाँ काम करते हैं क्या? 10 साल से लगातार। ये घटना हमारे आग के सामने के विषय में कैसे? गाड़ी किधर से आ रही? गाड़ी उधर से आ रही थी। उधर से किधर से? इधर इस साइड से, इधर कानपुर साइड से। कानपुर और जब इधर उतारी इन्होंने तो एक बस क्रॉस किया, उस बस वाले ने पूरा जाके कच्चे में उतार के खड़ी कर लिया आगे। तब तक इन्होंने पूरा काट के इधर जैसे ही आए तो 2 चक्का उठ गए इनके, जैसे ही डिसबैलेंस हुआ तुरंत ये हादसा हुआ। गाड़ी तेज थी क्या? बहुत तेज थी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी? घटनास्थल से इधर जैसे ही आई है तैसे ही 2 चक्के जहाँ नीचे गए, गाड़ी तराम से पलट गई। तो लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? कम से कम 30 लोग, 30 लोग घायल है। एम्बुलेंस आई थी? एम्बुलेंस लेके गई। ये पुलिस तुरंत आ गई थी। पुलिस तुरंत आ गई थी। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? थाना ये खीरो थाना क्षेत्र खीरो पड़ता है, चौकी सिमरी। कहाँ रहने वाली है? कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही थी? आ रहे थे दिल्ली से। कहाँ ले जा रहे थे? किस बस में आप बैठे थे? यादव विश्वकर्मा। क्या हुआ इस जगह, कैसे हुआ? अचानक से तेज चला रहा था और ब्रेक लिया, बटन कैसे घुमाया कि ब्रेक वो लगा नहीं पाया और अचानक से। बस में कितनी सवारी लगभग रही होंगी? 40-50 सवारी। कितने लोगों की लगभग चोट आई होगी? चोट तो लगभग लगभग सभी को आई है, किसी को अंदरूनी आई है, किसी को यहाँ थोड़ा सा वैसे आई है। नाम क्या है आप? एकता यादव। कहाँ कहाँ रहने वाली हैं? हम सिकंदरपुर। कहाँ जा रही थी आप? माधोपुर। क्या बात हुई यहाँ, कैसे गया? देखो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, कंट्रोल नहीं कर पाया, ब्रेक मार नहीं पाया, वो पलट गई गाड़ी। गाड़ी तेज चला रहे थे? ज्यादा तेज चला रहे थे। चोटें आई हैं? हाँ लगी है, ज्यादा नहीं। बस में कितनी सवारी रही होंगी? 100 तो रही होंगी, 100 से ज्यादा ही रही। लगभग सभी लोगों की चोटें लगभग आई? लगभग सबके आ गई।